मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव हारे बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने सपा पर गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें, शाक्य ने कहा कि मैनपुरी में वोटों को सपा के पाले में करने के लिए लोगों को पैसे दिए गए। रघुराज शाक्य ने यह भी कहा कि गांव गांव में 5-5 लाख रूपये बांट कर डिम्पल यादव के लिए लोगों को जुटाया गया और इसी कारण बीजेपी यहां से चुनाव हार गई। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। रघुराज सिंह ने कम से कम उन्हें ये तो सिखा दिया कि वोट किस तरह मांगा जाता है, गली गली तो घुमाई दिया। हमारी वजह से कम से कम वो एक तो हो गए। तो लोग बता रहे हैं कि इतना इतना पैसे के गांव में 5-5 लाख रुपए दिए, जीते हुए प्रधान को 5 लाख रुपए, हारे हुए 3 लाख। समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, वो बधाई दूंगा। कौन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, हम लोग समय कम मिला, 14 दिन मिले, 4 दिन कार्यक्रम में निकल गए रैलियों, 9 दिन मिला समय, क्षेत्र भी हम लोग गए नहीं पहुंच पाए, बहुत सी जगह नहीं पहुंच पाए। उनका नेटवर्क था, लगे हुए थे, सब प्लानिंग थी उनकी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, हम लोगों को सब व्यवस्था करनी थी उसके लिए थी। कार्यकर्ताओं को जिस तरह सा ऑनलाइन भी खाते में पैसे भेजे गए, नरेगा के लोगों को पैसे भेजे गए, तमाम ऐसे लोग थे उनके खाते में पता चला कि ऐसे लोगों के बना दिया मुखिया गाँव में, उसके द्वारा पैसे दिए गए, इतना दलित था उसको पैसा दिया। अब जो समीक्षा में तो लोग बता रहे हैं कि इतना इतना पैसे के गांव में 5-5 लाख रुपए दिए, जीते हुए प्रधान को 5 लाख रुपए, हारे हुए 3 लाख। ये जो लोग बता रहे हैं, जो समीक्षा है, अब चुनाव जिस तरह परिस्थिति, इस तरह चुनाव हो ही नहीं सकता था, परिस्थितियाँ थी। फिर भी मैं बधाई दूंगा जनता को, चुनाव लड़ने का काम किया, चुनाव में हार जीत होती रहती, हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती लड़ने का काम किया और लड़ा, संघर्ष किया। हम जनता के बीच के हैं, हम लोग कोई, ये तो चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, डिम्पल भी चुनाव हारी थी, हैं, डिम्पल भी चुनाव हारे हैं, धर्मेंद्र भी चुनाव हारे हैं, तमाम बड़े नेता, चुनाव हारना जीतना तो अलग चीज़ हो गई। क्या 24 के लिए तैयारी? पार्टी का जो आदेश होगा, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो निर्देश होगा, हमने पहले भी कहा था, मैंने पार्टी हमें लड़ाई तो हम लड़ेंगे, जिसको लड़ाने का उसको लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन जनता लड़ी, हमारा कार्यकर्ता लड़ा, उसको अफसोस भी है, लेकिन जिस कार्यकर्ताओं लड़ने का काम किया। अब पैसे के आगे तो आजकल जो युग है, धनबल है, जब 200 करोड़ एक सुप्रीमो के सामने, एक रघुराज सिंह ने कम से कम उन्हें ये तो सिखा दिया कि वोट किस तरह मांगा जाता है, गली गली तो घुमाई दिया लोगों के, जनता के बीच में। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं कहते हैं हमें तो आपकी वजह से सम्मान मिलेगा, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जब वोट खोल रहे थे वो ही कह रहे थे कि आपकी वजह से सम्मान तो मिलेगा हमें, जो पूछते नहीं थे हमारे घर गए आके पूछते थे, बगल में खड़े होने का कोई दिक्कत नहीं है, गली गली गए, गांव गांव गले, ये भी तो कर दिया रघुराज सिंह ने, तो जनता के बीच में तो कर दिया। तो ये बताइए कि आप क्या इसकी शिकायत करेंगे पैसे को लेकर के, अपने उच्च नेताओं से, शीर्ष नेताओं को भी बताएंगे ये सब चीज़ें, गतिविधियाँ जो अगली बार ना हो पुनरावृत्ति? देखिए ऐसा है, ये उपचुनाव था, ये हमेशा करते रहे। मैंने कहा कम से कम कई बूथ ऐसे थे, कम से कम 100 से 150 पूरी लोकसभा में कई बूथ थे, उनके बूथ से 80% कर लिए, 70% कर लिए। एक समाज के लोग थे, उन्होंने जितना हो सकता करने का काम किया, हम पे उल्टा आरोप लगा रहे थे, हम कैप्चरिंग कर रहे, पैसा बांट रहे, कह रहे कि नहीं कह रहे थे, शराब बांट रहे, जो उल्टा वो जो कह रहे थे, फिर कहाँ से वोट आ गया? ये कह रहे थे हम पे, आरोप सब सामने आ गया ना, वो जो करते हैं वो उसका उल्टा कहते हैं, क्योंकि लोग इसमें रहे, वो सब सामने सिद्ध हो गया। हम तो फिर भी मैनपुरी की लोकसभा की जनता को बधाई दूंगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस विकट परिस्थितियों में जिस तरह से पैसा चला, शराब चली, सब कुछ चला और सब परिवार एक हुआ, हमारी वजह से कम वो एक तो हो गए, हैं, सम्मान तो मिला, ये भी देख लिए। जिस तरीके से सुखपाल सिंह और अखिलेश यादव अब पूर्णता एक हो गए, एक झंडे के तले पर है, क्या कहना है? मैंने तो किसी ने कहा नहीं था अलग हो भाई, जब अलग हुए तो किसी ने कहा था भाई, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, हमने कहा उनके जो अलग हुए वो एक हुए, उनका परिवार का मामला, कोई प्रतिक्रिया कहेंगे भाई, वो परिवार है, एक हुए। नहीं, आप भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं कई साल, और जो आज अलग हुए हैं अब आगे ये हमेशा एक रहेंगे? अब ये तो उनसे पूछिए, क्वेश्चन उनका है, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा है, ये क्वेश्चन जो उनका क्वेश्चन है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम हमारी बात कहिए ना, हमारी पार्टी की बात कहिए, हमारी बात पूछने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को बहुत बधाई दूंगा, अच्छा चुनाव लड़ने का काम किया, इट बकेट परिस्थितियों में। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, सुप्रीमो सपा सुप्रीमो की,
पूरी पार्टी लगी थी, भयंकर लगी हुई थी, सब लोग लगा दिया, धन बल जो कुछ हो सकता करने का काम किया, लेकिन रघुराज साख ने उनको गली गली घुमाने का काम कर दिया, जगह जगह जाने का काम कर दिया। ये भी कार्यकर्ता हमसे खुश हैं, कम से कम मिलवा तो दिया, नहीं मिलते नहीं थे। जैसे कि आपने आरोप लगाया कि धनबल के उस दम पर चुनाव जीते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है तो आप लोगों ने धन खर्च नहीं किया क्या? हमारी देखिए भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतिक पार्टी है, ये सिद्धांत चुनाव लड़ती है, लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। उनका जो सिस्टम है ये अलग सिस्टम का टाइम का है। मैंने कहा ये चीज़ लोकतंत्र नहीं है, फिर अगला आदमी कोई चुनाव ही लड़े, ये प्रक्रिया चल जाएगी। आपको कल टिकट मिले, सपोज आपको मिल जाए तो लड़ लेंगे आप चुनाव। भाई क्या आम आदमी को लोकतंत्र में किसी को सभी को अधिकार है, तो कोई चुनाव लड़ लेगा, इस तरह का होगा? कौन आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? तो ये प्रक्रिया गलत है, ये लोकतंत्र है, और जो जिन्होंने लिया है वो भी गलत है।